नमस्कार दोस्तों, फाइनली दोस्तों मैंने मंगा लिया है फ्लिपकार्ट से वीवो का वीवो T144 बोर्ड वाला। तो दोस्तों ये वो बॉक्स है जिसको मैंने ओपन कर लिया है, जिसको दोस्तों मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को 11,500 रुपये में कैसे खरीद सकते हो, यही दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बट आप इसे 11,500 रुपये का फ्लिपकार्ट से जो फ़ोन है जो वीवो T144 वाला, आप इस फ़ोन को 11,500 रुपये में कैसे खरीद सकते हो, ये मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। और मेरे पास दोस्तों इसका 4GB 128GB वाला वेरियंट। तो देखिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों हम इसकी। ये बॉक्स दोस्तों आपको पता ही होगा अनबॉक्सिंग में हमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है। ये भी दोस्तों इसके अंदर हमें एक कवर मिलता है ट्रांसपेरेंट, और जो कुछ पेपर वगैरह मिलते हैं और कुछ नहीं है। एक सिम ट्रे मिलती है जो दोस्तों उसके अंदर रखी हुई है। ये दोस्तों फ़ोन वीवो T1 ब्लू कलर का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इस जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी लाइट की वजह से इस पर थोड़ा ये चमक आ रही है, बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी चमक नहीं होती। दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स की बात करता हूँ मैं, तो इसमें मिलता है दोस्तों हमें 44 वाट का चार्जर, जो दोस्तों इस फ़ोन की एक हाईलाइट है। 44 वाट का चार्जर दोस्तों इसके अंदर। ये दोस्तों USB टाइप सी केबल और टाइप ए, और ये दोस्तों सिम ट्रे, सिम इजेक्शन पिन। तो दोस्तों इस फ़ोन में मैं डिस्प्ले की बात करूँ, इसके फीचर्स की बात करूँ, तो दोस्तों इस फ़ोन में हमें मिलता है 4GB और 128GB वाला वेरियंट 11,500 रुपये का। वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको इस वीडियो को लास्ट टाइम बताऊँगा। तो दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर, जो दोस्तों एक 4G प्रोसेसर है, 5G नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ़ोन है ये 4G है, 5G सपोर्ट नहीं करता, और वैसे ही दोस्तों इंडिया में अभी 5G आया नहीं है। दोस्तों इसके कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप में देखने को मिलता है। 1G कैमरा ये है, 2 कैमरे इसके अंदर हैं। इसमें दोस्तों ये मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो वो दोस्तों 16 मेगापिक्सल का। इसकी दोस्तों डिस्प्ले का साइज़ है 6.44 इंच, जो कि दोस्तों फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है। इसकी बैटरी है दोस्तों 5000 mAh की, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी चलती है, और आपका 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो, और आप इसमें मेमोरी कार्ड भी अलग से लगा सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और जिस प्राइस पॉइंट पर अभी ये आ रहा है 11,500 रुपये में मेरे हिसाब से, तो उसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि भले ही 5G फ़ोन नहीं है, बट आपको इसमें फुल HD डिस्प्ले मिलती है प्लस दोस्तों सुपर AMOLED पैनल के साथ। और दोस्तों ये अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दो डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिवाइस है, बट हाँ दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें आप काफ़ी गेमिंग करो, काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो आपको दोस्तों इस बात ध्यान रखना है कि थोड़ा हैवी गेमिंग के मामले में दोस्तों थोड़ा ये पीछे रह जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो इतना हैवी नहीं है। बट ये है कि आप हल्की फुल्की गेमिंग करते हो तो काम चल जाएगा। दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इसकी, और इसका जो डिस्प्ले का डिज़ाइन है कैमरे का दोस्तों पुराना वाला है जो नॉच के साथ आता है, बट फिर भी दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप इसको 11,500 रुपये में कैसे खरीद सकते हो। दोस्तों आपको उसके लिए क्या करना है, आपको दोस्तों इस फ़ोन को ख़रीदना है अमेजन से। अमेजन पर दोस्तों यही फ़ोन मिल रहा है IQ6 नाम से, G6 नाम से जो फ़ोन है दोस्तों वो सेम वीवो T1 है। तो वहाँ पर दोस्तों IQ G6 की कीमत है 11,500 रुपये बैंक ओवर लगाने के बाद। तो दोस्तों आपको वहाँ से ये फ़ोन ख़रीदना है। जब आप दोस्तों वहाँ से इसको ख़रीदोगे तो इसकी दोस्तों जो प्राइस है 11,500 रुपये आपको मिल जाएगी, और इसके जो फीचर और उसके फीचर दोस्तों सेम है, तो कोई भी इसमें दोस्तों चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। और मैं आपको बता दूं IQ दोस्तों जो ब्रांड है वो वीवो की ब्रांड है, तो अगर आपके फ़ोन में कोई दिक्कत भी आती है तो आपको वीवो के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो आप इस टेंशन में ना रहें कि IQ एक अलग ब्रांड है, नई ब्रांड है, तो वीवो और IQ दोस्तों एक ही हैं, तो आप उस फ़ोन को ले सकते हो। सेम फीचर, सेम डिज़ाइन, सारे फंक्शन सेम हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि आप 11,500 रुपये में से कैसे खरीद सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।